नई रिसर्च में पता चला है कि बारिश का पानी अपने साथ खतरनाक केमिकल भी जमीन पर ला रहा है। किसी एक शहर या किसी एक देश में नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी पर बारिश के साथ खतरनाक केमिकल भी जमीन पर गिर रहे हैं जो इंसान को बेहद गंभीर बीमारियों की तरफ धकेल सकते हैं। और ये दावा हुआ है स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में। पता चला कि PFAS पानी के साथ जमीन पर गिर रहे हैं। PFAS ऐसे केमिकल है जो नए नहीं है। रोजमर्रा की जरूरतों की ऐसी कई चीजें हैं जिनमें PFAS का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। मतलब नॉनस्टिक बर्तनों पर होने वाली कोटिंग में PFAS का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा खाना पैक करने के सामान से लेकर पेंट तक में PFAS मौजूद होते हैं। यहाँ तक कि आग बुझाने वाले पानी में भी PFAS इस्तेमाल किए जाते हैं। ये केमिकल सालों से इंसान की जिंदगी में घुले हुए हैं लेकिन अब कुदरत में भी घुल चुके हैं, जो एक बड़े खतरे की घंटी है। ये ऐसे केमिकल हैं जो गर्मी और ठंड दोनों को झेल सकते हैं लेकिन अगर ये शरीर में चले जाएं तो गंभीर बीमारियों की वजह बन सकते हैं। हालांकि दुनिया की कई एजेंसियां और वैज्ञानिकों की कई टीमें इस पर जांच कर रही हैं लेकिन अभी तक सामने आए कुछ नतीजे हैरान करने वाले हैं। दावा यह है कि लंबे समय तक PFAS अगर शरीर में जाएं तो वो कैंसर की वजह बन सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं को गर्भ धारण करने में कई तरह की तकलीफ हो सकती है। यहाँ तक कि गर्भ में मौजूद बच्चों के विकास में भी PFAS बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि अब लोगों के लिए PFAS से बचना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि रिसर्च करने वाले लोगों का दावा हैरान करने वाला है। कहा जा रहा है कि धरती का कोई हिस्सा ऐसा है ही नहीं जो इस समस्या से बचा हो। यहाँ तक कि जमीन पर गिरने वाला बारिश का पानी मिट्टी में भी ऐसे केमिकल घोल चुका है। इसका असर मिट्टी में पैदा होने वाले पेड़ों और फसलों पर भी हो रहा है। रिसर्च इस बात पर भी हो रही है कि अंडरग्राउंड वाटर यानी जमीन के नीचे मौजूद जल में ये केमिकल किस हद तक पहुंचे हैं। जांच तो इस बात की भी की जा रही है कि धरती पर उगने वाली फसलों में ये केमिकल कितना असर डाल रहे हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का ये दावा चौंकाने वाला जरूर है। अब सवाल उठने लगा है कि आखिर आसमान से PFAS कैसे बरस रहा है। इसका जवाब खोजने वाली भी कुछ थ्योरी सामने आई। माना जा रहा है कि समुद्र में बढ़ता प्रदूषण इसकी वजह बन सकता है। समुद्र में बढ़ते प्रदूषण की वजह से इन केमिकल के कण समुद्र के पानी में घुल जाते हैं। इसके बाद इन्हीं समुद्रों के पानी से बनने वाले बादलों तक ये कण पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है और इसके बाद बादलों से प्रदूषित पानी ही लौटकर धरती पर आ रहा है। मतलब ये कि इंसान को अपने ही कर्मों का नतीजा भुगतना पड़ रहा है, जो बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि अभी इससे जुड़े कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब खोजना बाकी है।